हाय गाइस, मैं नवा फजल और आप लोग देख रहे हो एफएस गेमिंग। तो यार आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में कैसे बना सकते हो एक अनलिमिटेड रेड फार्म। इस रेड फार्म पर आप अनलिमिटेड रेड करा सकते हो जब भी आप चाहो, और इस रेड फार्म से आपको काफ़ी ज़्यादा मस्त मस्त चीज़ें मिलने वाली हैं जो कि आपको रेड लूट होती है, जस्ट लाइक आयरन का आर्मर, आयरन की एक्स, और जो भी चीज़ रेड लूट मिलता है भाई सब सब मिलेगा और टोटम ऑफ अंडाई मिलेगा। सो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बनाते हैं इस रेड फार्म को। तो भाई सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा एक प्लेजर आउटपोस्ट, एंड आपको लेने पड़ेंगे बहुत सारे ग्लास पेंस, एंड यहाँ पर आपको एक ब्लॉक ऊपर इस तरीके से लाना हो जैसे मिलाना है, एंड सब में भर देना है इसको, ठीक है, बॉर्डर नहीं लाना, पूरे सब में इसको भर देना है। तो मैं जल्दी से इसको भर देता हूँ। गाइज मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर दिया है, एंड आप लोग देख सकते हो मुझे जैसे वाली चेस्ट को भी तोड़ना पड़ेगा यहाँ पर। सो मैं जल्दी से इसको तोड़ता हूँ। अब मुझे यहाँ पर आना होगा साइड में, एंड यहाँ पर मुझे लगानी होंगी कुछ ओक लीव्स। तो मुझे यहाँ पर पूरे का पूरे 30 ब्लॉक्स तक मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, ओक लीव्स लगानी होंगी, एंड उसके साथ साथ मुझे यहाँ पर वाइंस भी लगानी होंगी ताकि हम ऊपर जा सकें और ऊपर का एक्सेस ले सकें। हमें यहाँ पर ऊपर जाना होगा, एंड यहाँ पर एक ब्लॉक पीछे, दो ब्लॉक आगे, इस तरीके से लगा कर यहाँ पर हमें 4 ब्लॉक प्लेस करने होंगे ताकि यहाँ पर 4x5 का एक मतलब प्लेटफॉर्म बन जाए, जिस पर हम अपनी कलेक्टिंग सिस्टम यानी कि चेस्ट वगैरह हॉपर लगा दें। यहाँ पर हमें 2 चेस्ट लगानी है, एंड फिर हमें इसके पीछे लगाने होंगे कुछ हॉपर्स। तो हॉपर्स लगाते टाइम आप क्राउच कर लेना जरूर से, वरना वो ठीक से लग नहीं पाएंगे। सो जल्दी मैं इस तरीके से यहाँ पर कर दूंगा। अब मुझे यहाँ पर कुछ ब्लॉक्स लेने हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स, उसको इस तरीके से लगाना होगा। मैंने यहाँ पर स्मूथ स्टोन लिया जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, सो मैंने ले लिया। आप कोई सा भी यहाँ पर ले सकते हो। फिर यहाँ पर इस तरीके से ब्लॉक लगा, और यहाँ पर मुझे लगाना है स्लैब ताकि हम मतलब उनको मार पाएँ, हमारे यहाँ पर जगह होगी। उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे 19 ब्लॉक ऊपर। अब यहाँ पर गाइज हमें क्या करना है कि इस तरीके से चारों ओर हमें कोने भर देने हैं, एंड यहाँ से हमें 7 ब्लॉक्स बिल्ड करने हैं। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से 7 ब्लॉक्स लगाऊंगा इधर की साइड से, एंड 7 ही मैं लगा दूंगा इधर की साइड से। मैं जल्दी से इसको लगा देता हूँ। अब गाइज ये हमारा प्लेटफॉर्म पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसको ब्लॉक्स से पूरा का पूरा इस तरीके से लगाने होंगे। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से इसको लगा देता हूँ, एंड अब मुझे यहाँ पर लगानी होंगी कुछ स्टेयर्स। इसमें यहाँ पर स्टोन स्टेयर्स ले रहा हूँ, आप कोई सी भी वाली स्टेयर्स यहाँ पर ले सकते हो। तो इस तरीके से स्टेयर्स लगानी, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ब्लॉक लगाना है। तो मैं यहाँ पर ब्लॉक निकाल लेता हूँ, मैं निकालने का, ठीक है। तो यहाँ पर एक ब्लॉक लगाना है, एंड एक ब्लॉक यहाँ लगाकर 2 ब्लॉक इसके पीछे लगाने, यानी कि बीच में, एंड यहाँ पर भी आपको कुछ स्टेयर्स को प्लेस कर देना है, एंड ये बाकी जो बचा हुआ है इसको भी आपको स्टेयर्स लगा देनी है ध्यान से। तो मैं लगा देता हूँ, एंड आपको यहाँ पर 6 ब्लॉक तक ब्लेंड करना है। तो मैंने 6 ब्लॉक को कवर करने के बाद यहाँ पर आपको स्टेयर्स में पानी डाल देना है। ध्यान रहे सभी स्टेयर्स में आपका पानी चला जाए। तो मैं यहाँ पर जल्दी से सारा पानी यहाँ पर डाल देता हूँ। अब आपको ध्यान रखना है कि पानी इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, वरना आपका प्लेटफॉर्म गलत बना हुआ है, उसको आप ठीक कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर ओक लीव से इसको कवर कर देना है ताकि जो मॉब्स होंगे ना वो अंदर ही स्पॉन हो, बाहर स्पॉन ना हो इस प्लेटफॉर्म के। अब हम यहाँ पर साइन बोर्ड्स लगाने होंगे ताकि हम लावा डाल के उनको मतलब डैमेज मिल सके, ताकि वो मर पाए। हमने यहाँ पर गड्ढा तो खोद दिया है, बट पहले वो लावा से मर जाएंगे तो ठीक रहेगा, जो रेवेंजर्स वगैरह होते हैं तो वो मर जाएंगे लावा से। फिर आपको 3 ब्लॉक ऊपर यहाँ पर क्या करना होगा, 4 इस तरीके से लगाने होंगे, फिर उसके बाद 3, एंड फिर उसके बाद 2, और फिर उसके बाद 1 साइन बोर्ड आपको यहाँ पर प्लेस करने हैं, एंड देन उसके ऊपर आपको यहाँ पर लावा की बकेट डाल देनी है जिससे कि लावा इस तरीके से फैल जाएगा। सो जो रेवेंजर्स होंगे वो इसमें जलकर मर जाएंगे। अब आपको गाइस यहाँ पर क्या करना है, नीचे की तरफ आ जाना है, एंड वहाँ नीचे से करीब 10 ब्लॉक ऊपर आपको बेड इस तरीके से प्लेस करना है, क्योंकि भाई रेड जो आती है वो विलेजर की वजह से ही आती है। तो हमें आपको अपने रेड फार्म में एक विलेजर भी रखना पड़ेगा, सो उसके लिए हमें यहाँ पर बंदोबस्त करना पड़ेगा। अगर आप सर्वाइवल में बना रहे हो तो आप एक लिफ्ट वगैरह बना लेना सोल सैंड की, वहाँ से आप कर सकते हो। आपको इसको कोई भी सर्विस देनी पड़ेगी, तो आप फ्लैचिंग टेबल दे देना, वो अच्छी सर्विस होती है। एंड फिर हमें यहाँ पर एक कोई भी विलेजर स्पॉन करवा देना है, तो मैं जल्दी से उसको स्पॉन करवा देता हूँ। बट उसके बेड के नीचे वाला ब्लॉक भी आपको तोड़ देना ध्यान से, ओके। तो यहाँ पर हमें विलेजर स्पॉन करवा देता हूँ, एंड हम इस विलेजर को ना एक रात सुला देंगे, एंड उसके बाद हम मतलब आगे का बिल्ड काम करेंगे। तो एक रात ये सो चुका है, अब ये जग चुका है, तो मुझे इसको ऊपर से भी कवर कर देना होगा, एंड इसके मुझे ऊपर से भी स्लैब्स को लगा देना होगा ताकि यहाँ पर भी मॉब स्पॉन ना हो, जैसे कि हमने ऊपर ओक लीव्स लगाई थी। तो हम यहाँ पर स्लैब्स को लगा देते हैं। अब गाइस मुझे इनके उनको मारना पड़ेगा जो चाचा जी होते हैं, एंड हमारी रेड आने लगेगी इस फार्म पर। तो मैं ऊपर आ चुका हूँ गाइस, एंड रेड का वेट करते हैं। आप लोग देख सकते हो ऊपर रेड आ रही है क्योंकि नीचे हमारे विलेजर है। तो गाइस रेड कंप्लीट हो चुकी है, एंड आप आने वाले होंगे, एंड भाई साहब आ चुके हैं, तो आप इनको मारो, एंड यहाँ से आपको अच्छी खासी लूट मिल जाएगी। तो हमारा फार्म बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ये फार्म गाइस आपको कोई भी वर्जन में कंप्लीट करेगा। सो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही।